हे गाइस, दिस इज़ शिवम ऑन पाथ प्रोडक्शंस और आज मैं आप लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपना फ़ोन कहीं रख के भूल जाते हैं, या वो कहीं छूट जाता है किसी दोस्त के घर में, या फिर चोरी भी हो जाता है। तो उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हमारा सारे इतना इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे फ़ोन के अंदर, फ़ोन के बिना तो ज़िंदगी रुक सी जाती है। तो आइए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हो कुछ हो। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे और लिखेंगे फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई फ़ोन या कुछ भी, और इसमें जो फर्स्ट लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे, फाइंड माई डिवाइस गूगल। तो इसमें आपके फ़ोन के अंदर आप जिस आईडी से लॉग्ड इन हो, आप वही वाली आईडी यहाँ डालेंगे। जैसे मैं अभी पाथ प्रोडक्शन पार्ट 7154 से हूँ, तो मैं वो डाल रहा हूँ। अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ पे वही आईडी चुननी है जो आपके फ़ोन के अंदर लॉग्ड इन है, जिससे आपका एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट करके, तो इस स्क्रीन पे आपको अपना फ़ोन दिखाई देगा जो आप रजिस्टर्ड हैं। तो जैसे मेरे यहाँ दो डिवाइस रजिस्टर्ड हैं, एक रेडमी नोट 4 और दूसरा एक पैड था। तो अभी मेरा ये वाला फ़ोन कहीं खो गया है सपोज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी करंट लोकेशन कहाँ है उस फ़ोन की, तो वो इससे आपको पता चल जाएगी। तो अभी इसको हम जूम करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है। तो आपको पता चल सकता है कि आपका फ़ोन कहाँ खोया था, आप कहाँ रख के भूल गए हो, तो आप वहाँ जाके उसे ला सकते हो। अगर आपका दोस्त के घर में है तो आप दोस्त को फ़ोन करके बोल सकते हो कि वो रख ले, या ऑफिस में छूट गया है कहीं पर भी, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। यहाँ पे तीन ऑप्शंस और हैं, एक प्ले साउंड, एक लॉक का और एक रेज का। प्ले साउंड में क्या होगा कि जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो आपका फ़ोन बजने लग जाएगा, वो 5 मिनट तक बजता रहेगा, और उसको रोकना होगा तो आपके फ़ोन से उसका लॉक बटन दबा के उसको रोक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लॉक का। इसमें क्या होगा, अगर आपके फ़ोन में लॉक नहीं लगा हुआ है या आप अपने लॉक को ओवरराइड करना चाहते हैं, तो आप एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन पहले लॉक नहीं था तो अब लॉक हो जाएगा, कोई आपका पर्सनल डेटा देख नहीं सकता है। और तीसरा ऑप्शन है जिसको हम तभी यूज़ करते हैं अगर आपका फ़ोन आपको लगे कि मिल नहीं सकता, चोरी हो गया या तो गया, तो आप ये तीसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ना, पूरा डेटा इरेज कर सकते हो, जो भी पर्सनल चीज़ें होंगी सब कुछ होगा, वो सब कुछ मिट जाएगा, टाइप से फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा वो फ़ोन और सब मिट जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन हैं। और ये जो साइड में जो मैप दिख रहा है, ये आपकी लोकेशन दिखाएगा कि वो डिवाइस कहाँ पे है, तो आपका जीपीएस भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस कहाँ है, आप कहाँ भूल के आए थे उसे, कहाँ गिरा दिया है फ़ोन, या लास्ट टाइम वो कहाँ पे था। तो आइए हम एक एक ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और तरीके ढूंढेंगे अपने डिवाइसेस को कैसे ढूंढ सकते हैं, एक मोबाइल फ़ोन से कैसे ढूंढ सकते हैं, और भी कुछ नए नए तरीके जिससे आप अपने फ़ोन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, घर वालों को बताइए, ताकि हर कोई अपने फ़ोन तक जल्दी पहुँच सके।